हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी और पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में परिवर्तनी एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि यह चातुर्मास में आती है, जिस दौरान श्री हरि 4 महीने के लिए शयन करते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी बाईं करवट से दाईं करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत भक्तों को धन, सुख और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया जाए तो भक्त को भगवान विष्णु का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो इस पवित्र एकादशी पर भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में विराजमान होते हैं। इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने एवं समस्त पापों को नष्ट करने वाली यह सर्वोत्तम एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जी के जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोला ग्यारस के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को डोली में बिठाकर झांकी के साथ जुलूस निकालते हैं। मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय में जाकर कान्हा के वस्त्र धोए थे, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा का फल मिलता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में आने वाली तमाम तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन व्रत कर भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने की विधान है। 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7ों कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मंसूर है। एकादशी तिथि के दिन इसमें से किसी भी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर 12वीं तिथि तक जाता है, इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर 12वीं तिथि के दिन प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। प्रिय भक्तगणों, परिवर्तनी एकादशी में सबसे ज़्यादा महत्व दान को दिया जाता है, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान के पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने भी अभिमान किया और पाताल को चला गया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है और अश्वमेघ यज्ञ के सदृश फल को पाता है। यह एकादशी व्रत समस्त पापों का समन कर देती है। समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, सदगति प्राप्ति होती है। इस दिन दही और चावल का दान करने से मनुष्य अनेक प्रकार के कुकृत्य पापों से मुक्त हो जाता है। तथा ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते उनको भी इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए तथा उनके व्रत महालय को श्रवण करके उनका गुणगान करना चाहिए। और दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से व्यक्ति को पिछले जन्मों के पाप से छुटकारा मिलता है और साधक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस शुभ दिन व्रत करने से लोगों को उच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है और साथ ही साथ यह साधकों की इच्छा शक्ति को मजबूत करने में सहायक है। परिवर्तनी एकादशी पवित्र चातुर्मास के समय आती है, इसलिए इस एकादशी को सबसे शुभ और सर्वोच्च एकादशी माना जाता है। ब्रह्मवैत पुराण में परिवर्तनी एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं करता उसे भी दान अवश्य देना चाहिए।
दान न केवल हमारे भौतिक जीवन को सार्थक बनाता है बल्कि आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसलिए दान का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिसमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जो किसी प्रकार से दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। इस बार परिवर्तनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 13 सितंबर शुक्रवार रात के 10:31 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 सितंबर शनिवार रात 8:41 पर। तो इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को। द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 14 सितंबर शनिवार रात 8:42 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर रविवार शाम 6:12 तक। और इस दिन व्रत पारण तिथि और मुहूर्त होगा 15 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 6:17 से लेकर 9:10 तक। इस दौरान आप ध्यान से अपना पारण कर लीजिएगा। प्रिय भक्तगणों, परिवर्तनी एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना उत्तम फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और एकादशी पर गाय को हरा चारा खिलाने से घर में बरकत आती है, धन का अभाव नहीं रहता। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने पर भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। शाम के वक्त पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा करने पर कर्ज से मुक्ति मिलती है। धन से जुड़ी समस्या दूर करने के लिए परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है इससे दरिद्रता नहीं आती। और सबसे खास उपाय, पूजन के समय श्री विष्णु के सामने कुछ सिक्के रखें। पूजन के बाद सिक्कों को लाल रेशमी कपड़े में बांध कर पर्स या तिजोरी में रखें। यह उपाय धन आगमन के साथ ही स्थिरता भी देता है। दूसरा उपाय, यदि बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है या कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डालकर जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे दिया जलाएं। एक और दूसरा उपाय यह है कि एकादशी की रात्रि में घर में अथवा श्री विष्णु के मंदिर में जाकर श्रीहरि के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। दिया बड़ा ही लें ताकि वो रात भर जलता रहे। इस उपाय से आर्थिक प्रगति, ऋण चुकता होता है तथा जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आएगी। यदि विवाह न हो रहा हो तो वे लोग इस एकादशी पर श्री विष्णु जी का पीले फूलों से श्रृंगार करके सुगंधित चंदन लगाएं तथा बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। विवाह योग्य शीघ्र ही बनेगा। ध्यान रहे, ग्यारस के दिन दही एवं चांदी का दान करें, यह उत्तम फलदायी होगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, श्री कृष्ण चालीसा एवं कृष्ण नामों का जप करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, इससे धन की कमी दूर होगी। अब बात आती है पूजा विधि की, तो एकादशी व्रत का आरंभ 10वीं तिथि से ही हो जाता है। पुराणों के अनुसार 10वीं तिथि को शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। प्रिय भक्तों, जो महिलाएं एकादशी का व्रत करती हैं उन्हें 10वीं तिथि को ही अपना बाल धो लेना चाहिए और इस दिन लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन घर के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के पहले ही सारी तैयारी 10वीं को ही कर लेनी चाहिए, अर्थात मंदिर की स्वच्छता, पूजा की तैयारी इत्यादि इत्यादि। और इस दिन सबसे विशेष बात, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और संध्या से पूर्व ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि 10वीं के दिन सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन ग्रहण कर लें। और तब पर भी आपको भूख प्यास लग जाती है इसके बाद भी, तो आप अन्न बिल्कुल भी ग्रहण मत करिएगा। आप जल, फल, दूध इत्यादि को ग्रहण कर सकते हैं। 10वीं तिथि को शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को
अपने मन को शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में न लाएं, पर निंदा से बचें। इस एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। अब देखिए, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी, ऋतुफल, तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन अन्न वर्जित है, निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं। और बीमार वृद्ध बालकों के लिए यदि आपको प्यास लगे, भूख लगे तो आप थोड़ा सा एकादशी प्रसाद, जल, दूध, फल इत्यादि ले सकते हैं। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आप संकल्प करके भगवान के समक्ष अपनी मनोकामना कहें। इस दिन तुलसी देवी के सामने शाम के समय और सुबह के समय दिया अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं, या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं उनको जो भी भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें, चाहे वो जल हो या फिर मिष्ठान फल हो। और हाँ, आप इस दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर मखाने और मेवे का बनाएं और उसमें भगवान विष्णु को तुलसी पत्र डालकर उनको अर्पित करें। ध्यान रहे, चावल का खीर बिल्कुल भी मत बनाइएगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु को खीर अर्पित करने से आपको धन धान में बरकत मिलेगी। इस दिन अधिक से अधिक श्री कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र आपको सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करता है। भगवान विष्णु इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद निर्धारित समय पर जब पारण का समय हो तो व्रत का पारणा करें। फिर इसके बाद चावल से बने पदार्थों का भोजन करें। ध्यान रहे, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कमल के फूलों द्वारा की जाए तो अति उत्तम है। इस दिन ककड़ी का शगरा लेना चाहिए। परवर्तिनी एकादशी का व्रत ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा के समान है। अब आइए जान लेते हैं कि इस एकादशी पर वे कौन से तीन राशि वाले व्यक्ति हैं जिनका भाग्य उदय होगा। कन्या राशि वालों के लिए परिवर्तनी एकादशी का दिन सफलतादायक रहने वाला है। किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। करियर में तरक्की मिलेगी। श्री गणेश जी की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी सैलरी में इजाफा होगा। और दूसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए परिवर्तनी एकादशी का दिन तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। गणेश जी की कृपा से अटके धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। और एक हफ्ते के दौरान आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी सभी चिंताएं भी दूर होंगी। तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए परिवर्तनी एकादशी का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गणेश जी की कृपा से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी। धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। तो ऐसी तीन राशियां हैं जिनको बेहद इस दिन लाभ मिलने वाला है। अब आइए श्रवण करते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे मधुसूदन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महात्म्य क्या है? इस एकादशी को करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा करके सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं पुण्य स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा सुनने से नीच प्राणियों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी अर्थात वामन रूप की पूजा करता है,
उसे तीनों लोकों में पूजन करने का पुण्य फल मिलता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने चार मास के शयन के मध्य में करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि भगवान विष्णु किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह उन्होंने राजा बलि को वचन में बाधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत ही दानी था। वह वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन एवं यज्ञ भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। एक दिन सब देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण बोले, हे राजन वामन ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु ने महादानी राजा बलि से तीन पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर तीन पग भूमि का संकल्प दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर यमलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसे देखकर सूर्य चंद्रमा आदि सब इंद्र आदि देवता वेद सूक्तों द्वारा स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बलि से वामन भगवान ने हाथ पकड़कर कहा, राजन एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और भगवान ने अपना पैर बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग के सैया पर शयन करता है। हे राजन इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तामा चांदी चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन ककड़ी का शगरा लेना चाहिए। खीरा केला सेब आदि फल तथा दूध दही ले सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को केले का फल अर्पित अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी और सुनाई गई कथा आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।